फिर अगर आप फील करते हो कि आप पेन्स हैंडल कर सकते हो तो जरूर आप नॉर्मल पेन्स लो और एपिड्यूरल मत लगाओ। बट इसके बारे में एक क्वेश्चन ये होता है कि ये तो बैक में टीका लगता है, सो क्या ये बैक एक करता है? आपने एपिड्यूरल का सुना है, आप लगवाना चाहते हैं, लेकिन आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको पेन से डर लग रहा होता है इसलिए एपिड्यूरल का सोचते हैं। सो एपिड्यूरल क्या पेनलेस डिलीवरी कराता है? नो, एपिड्यूरल रिड्यूस करता है पेन। यू मे फील अबाउट समझो 30% पेन आपको फील होगी, जिसने कभी पेन नहीं फील की तो उसको तो 30% भी बहुत ज़्यादा लगता है। सो जीरो पेन नहीं होती, इट इज अ रिड्यूस्ड पेन। ठीक है, सो कब से लग रहे हैं एपिड्यूरल्स? तकरीबन 4 decades से तो एपिड्यूरल्स यूज हो रहे हैं पेन रिलीफ के लिए, और अगर इनके साथ कोई बहुत बड़ा मसला होता तो अब तक बंद हो चुके होते हैं। करेक्ट, सो डोंट बी सो अफ्रेड ऑफ देम। इनसे इतना मत डरो कि आप एक चीज आपको अवेलेबल है, एक फैसिलिटी है, एक लग्जरी है, आप अफोर्ड कर सकते हो, आपके पास स्किल्ड लोग हैं। इसको अपने अनबेस्ड फियर्स की वजह से इसको रिफ्यूज मत करो, इसके बारे में सोचो। फिर अगर आप फील करते हो कि आप पेन्स हैंडल कर सकते हो तो ज़रूर आप नॉर्मल पेन्स लो और एपिड्यूरल मत लगाओ। बट इसके बारे में एक क्वेश्चन ये होता है कि ये तो बैक में टीका लगता है, सो क्या ये बैक एक करता है? नो, ये बैक एक नहीं करता, बल्कि बैक की पेन की ट्रीटमेंट के तौर पर यूज होता है। आपने कितनी खवातीन को देखा है कि जो बैकएक का कह रही होती है, उन सबको एपिड्यूरल नहीं लगा होता। बैकएक आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी आमतौर पे इस वजह से होती है कि बैड पॉस्चर, टेढ़ा होके लेट के बेबी को फीड करा रहे हैं, अपने एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कोर नहीं स्ट्रेंथन कर रहे, तो बैकएक इस वजह से होती है, एपिड्यूरल की वजह से नहीं होती। कब इसका डिसीजन लेना चाहिए? मैं ये कहती हूँ कि आपने जितने सवाल पूछने हैं पहले प्रेगनेंसी में पूछ लें, और जब आप लेबर के में आए तो उस टाइम आपको क्लैरिटी होनी चाहिए आपने लेना है एपिड्यूरल या नहीं लेना। क्यों ये ज़रूरी है? एपिड्यूरल का एक टाइम होता है जिस पे लग सकता है और इफ़ेक्टिव लग सकता है। अगर आप लेट हो जाए और वो एपिड्यूरल का टाइम गुजर जाए, ए टेक्निकली लगाना मुश्किल होता है और फिर वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। सो इन्फॉर्मेशन पहले लें, डिसीजन पहले करें। सो क्या ये लेबर पेन्स को रोक देता है? नो, ये लेबर पेन्स को रोकता नहीं, आप महसूस नहीं करते, आपकी पेन परसेप्शन कम हो जाती है। ठीक है, सो ये लेबर को स्लो थोड़ा कर सकता है, बट अगर आपको पेन नहीं हो रही तो उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? क्या इसकी वजह से सिजेरियन ज्यादा होते हैं? नॉट इन माई एक्सपीरियंस। अगर टीम अच्छी है जो आपके एपिड्यूरल के बाद आपकी मॉनिटरिंग अच्छी कर रही है और आपको ऑब्जर्व अच्छी तरह कर रही है, तो फिर नॉर्मल पेन्स लेने वाले में और एपिड्यूरल लगवाने वाले में कोई सिजेरियन का रेट या चांस का फर्क नहीं होता। क्या इसका बेबी पे कोई असर होता है? नॉट एट ऑल, बिकॉज बेबी अपनी वूम में है, एपिड्यूरल बैक में है, और उसकी वजह से बेबी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। मैं क्यों रेकमेंड करती हूँ? एज आई सेड, एक तो ये एक लग्जरी है, एक प्रिविलेज है, एक फैसिलिटी है, आपको अवेलेबल है, तो क्यों ना लो, क्यों तकलीफ गुजारो? दूसरी बात एक वेरी इंपॉर्टेंट, आप पूरी लेबर गुजार लो 6-7-8 घंटे, उसके बाद भी सिजेरियन की ज़रूरत पड़ सकती है। सिजेरियन तो बेबी जब तक हमारे हाथ में नहीं आता उससे पहले कभी भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड इट, बट फाइनल डिसीजन आपका है, और वो डिसीजन आपने लोगों की बातों में आके, र्यूमर सुन के, अनइन्फॉर्म्ड लोगों की हाफ बेक बातों में, उसकी बेसिस पे नहीं करना। पूरी इन्फॉर्मेशन लो, अपने डॉक्टर से डिस्कस करो, एंड देन मेक द डिसीजन। थैंक यू।